हरियाणा बिल्डिंग कोड 2017 के अनुसार जो भी बिल्डिंग नहीं बनी है उनके खिलाफ जल्द ही तोड़फोड़ और सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। साइबर सिटी गुरुग्राम में इन दिनों मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाकर फ्लैट बेचे जा रहे हैं, जिसके चलते हरियाणा बिल्डिंग कोड 2017 के नियम की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। नगर निगम के चीफ टाउन प्लानर राजकुमार सिंह ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र में बन रहे भवनों की लगातार अवैध निर्माण की शिकायतें आ रही हैं, जिसके चलते नगर निगम ने अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया है। उस अभियान के तहत 150 बिल्डिंग को नोटिस दिया गया है। इन बिल्डिंग में चीफ टाउन प्लानर ने जवाब मांगा है कि क्या जो बिल्डिंग बनाई गई है वो हरियाणा बिल्डिंग कोड 2017 के नियम के तहत बनी है या नहीं। एमसीजी मैं सिर्फ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन गुरुग्राम के जो एरिया हैं जिसमें रेगुलराइज और नोटिफाइड कॉलोनीज आती हैं, टीपी स्कीम्स हैं, रिहैबिलिटेशन स्कीम्स हैं या कोर एरियाज, ये चार पाँच तरह की जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिसडिक्शन है जिसमें कॉर्पोरेशन काम करती है। जॉन डेट हम हरियाणा बिल्डिंग कोड 2017 जो है उसके अंतर्गत बिल्डिंग प्लान अप्रूव करते हैं। आप अपने इधर बिल्डिंग प्लान उस पर लोड कीजिए, उधर से आप अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देते हैं। ये जिम्मेवारी आर्किटेक्ट की है और एप्लीकेंट की है कि वो जैसे उसने बिल्डिंग प्लान अपलोड की है उसी तरह से बनाए। इसमें आर्किटेक्ट और एप्लीकेंट दो ही सर्टिफाई करके देते हैं कि हम जो कर रहे हैं, हमने जो बिल्डिंग प्लान अपलोड किए हैं वो बिल्कुल बिल्डिंग प्लान जो है हरियाणा बिल्डिंग कोड के अनुसार, तो उसमें नियम कायदे कानून है उसके अनुसार बनाए। फिलहाल नगर निगम के चीफ टाउन प्लानर की तरफ से 150 बिल्डिंग को नोटिस दिया जा चुका है और इनके खिलाफ जल्द ही तोड़फोड़ या सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, बिल्डिंग को तोड़ने के साथ साथ बिजली पानी के कनेक्शन भी काटे जाएंगे। साइबर सिटी गुरुग्राम में अवैध कॉलोनी काटने वालों का भी गोरख धंधा जोरों पर चल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि अवैध कॉलोनियों में प्लॉट की रजिस्ट्री, बिजली, पानी, सीवर कनेक्शन किस आधार पर दिए जा रहे हैं और इसमें अधिकारियों की भूमिका पर भी सवालिया निशान लग रहे हैं। भू माफिया जो अधिकारीगण है इनकी अपनी मिली भगत चलती है, इनकी मिली भगत से वो कॉलोनियां काटी जाती है जिन पहले उसमें ये सीवर के कनेक्शंस भी देते हैं, पानी भी देते हैं, बिजली की लाइनें बिछाते हैं, उसमें रोड भी और उसमें कंस्ट्रक्शन भी करवाते हैं, लेकिन तब वो बिल्डिंग आम आदमी अपनी बेचारा गरीब आदमी अपनी बिल्डिंग पूरी कर लेता है, फिर ये उनको नोटिस देते हैं और तोड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम में जोन 1 में इस समय अवैध कॉलोनी और भवनों में सबसे ज्यादा अवैध निर्माण जोरों पर चल रहा है, जिसमें न्यू कॉलोनी, कृष्णा कॉलोनी, लक्ष्मण विहार, मदनपुरी, शिवाजी नगर जैसे अन्य इलाकों में अवैध निर्माण चल रहा है। ऐसे में देखना होगा कि गुरुग्राम में हो रहे अवैध निर्माण पर नगर निगम आगे और क्या कार्रवाई करता है।